जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं साहिबा बानो। चलिए रुक करते हैं झांसी की कुछ अहम खबरों का। आपको बता दें, समस्त ग्राम केशवपुर में आज महारानी लक्ष्मीबाई जयंती की पूर्व संध्या पर दीपांजलि कार्यक्रम एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य राज्यसभा सांसद एवं क्रम को चेयरमैन के सुपुत्र यशपाल यादव रहे। गोष्ठी में वक्ताओं ने वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि यशपाल सिंह यादव ने आयोजन की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि रानी लक्ष्मीबाई का त्याग एवं बलिदान भुलाया नहीं जा सकता। आज उन्हीं के बलिदान को याद करते हुए हम सभी आजादी से जी रहे हैं। कार्यक्रम में वशिष्ठ अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम ने कहा कि आज झांसी पूरे संसार में महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से ही जाना जाता है। उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम वासियों ने महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर अच्छी पहल की है। आने वाले समय में सभी नौजवान साथी महारानी रानी लक्ष्मीबाई से प्रेरणा लेंगे। इस मौके पर घनश्याम मिश्रा, अंकित मिश्रा, कन्हैयालाल राजपूत, सत्येंद्र मिश्रा, रमेश नामदेव, रमेश राजपूत, पप्पू अहिरवार, सुनील अहिरवार, रामकिशोर अहिरवार आदि बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया गया। समाजवादी पार्टी के बबीना विधानसभा अध्यक्ष चंद्र प्रकाश मिश्रा ने आजादी की प्रथम दीपशिखा को नमन करते हुए इस आयोजन में सहभागिता के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस आयोजन को और भी विस्तार दिया जाएगा। संचालन अनिरुद्ध नायक ने किया। झांसी से नईम खान की रिपोर्ट। नमस्कार सर, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आज आप केशव गांव में यहाँ पर आए हुए हैं, आज किस उपस्थिति में यहाँ पर सर आप आए हुए हैं? आज हम सभी लोग यहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं और प्रज्वलित कर उनका जन्मदिवस। सर यहाँ पे आप विद्यालय आए हुए हैं, आपने छात्रों को आज प्राप्त दी कि रानी लक्ष्मीबाई की कैसी किया प्रतिमा रही थी, उनके बारे में आपने बताया, और कुछ कहना चाहेंगे सर इस गांव के बारे में आपके? गांव के लोगों से हम लोगों ने यही आग्रह किया कि भाई महारानी लक्ष्मीबाई से हमें सीख लेनी चाहिए। उन्होंने जो क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ लाई थी, वही हमें अपने सिस्टम के खिलाफ लानी चाहिए। और बेरोजगारी, असाक्षरता और किसानों के हितों के लिए लड़ाई लड़नी। यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, किस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं सर? हम महारानी छाई की जयंती मनाने के लिए पैदा हुए थे, क्योंकि महारानी छाई हमारे शहर की महत्वपूर्ण हस्ती है। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम अगर बताते हैं कि हम झांसी से आए हुए हैं तो लोग हमें ये नहीं कहते कि झांसी वाले हो, ये कहते हैं कि वो शहर जहाँ से झांसी की रानी ने क्रांति का संघदान किया था। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और आने वाले वक्त में हम चाहते हैं, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, हम सबने संकल्प लिया है कि जिस तरह 1857 क्रांति का संघदान झांसी से हुआ था, आने वाले वक्त में पूरे प्रदेश में हम बेरोजगारी के खिलाफ, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और सबके खिलाफ क्रांति का बिगुल यहीं से आज वर्तमान में, यानी 18 नवम्बर को फिर से हम क्रांति का बिगुल। न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आज आप यहाँ पर जो उपस्थिति हुई है, हमारे तनवीर आलम जी और भी जो नेता लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को कैसा लग रहा है कि आपकी? लगने को तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जो झांसी में हम कार्यक्रम देखते थे कि झांसी में भी हर जगह चौराहे सजे हैं और जिसके नाम से भाई झांसी प्रसिद्ध है, तो हम लोगों ने भी गाँव के ग्रामीण लोगों ने विचार किया कि कुछ ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसा होना चाहिए जिनसे हम प्रेरणा लें और आगे के जो हमारे ग्रामीण के नौजवान हैं वो भी इससे प्रेरणा लें कि हर साल कुछ इससे अगले साल। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी? हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बुंदेलखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24।